क्या असेसमेंट दिया है सत्येंद्र जैन ने? आप गुजरात जीतेगा किसलिए? तिहार का शायद कैदी लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो मोदी जी को वोट नहीं देगा, किसलिए? मोदी जी हमको तिहार में डाला है। अरविंद तिहार में तो तिहार में दुकान खोलेंगे, तिहार में किसका माहौल है? अमित भाई और मोदी जी ने दुनिया का क्रिमिनल को तिहार में डाले है। तिहार में तो एंटी बीजेपी का माहौल ही तो है। तो तिहार से असेसमेंट आ रहे केजरीवाल तक, थोड़े वो प्रो बीजेपी माहौल होगा। मतलब सत्येंद्र जैन उनको आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़े उनका आप भी कुछ आंकड़ा देंगे लिखित में, क्योंकि हर जगह वो बता रहे हैं बीजेपी का क्या है देखिए। वो कह रहे हैं कि जा रही है सरकार, 27 सालों से तंग आ चुके हैं लोग गुजरात के। केजरीवाल जी और मेरा, अगर केजरीवाल जी लिखित देगा हाँ। तो वो लिखित तो मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, बिकॉज केजरीवाल जी पूर्व में जाने से मैं पश्चिम में जाऊंगा। आप लिखने को तैयार नहीं है? अगर केजरीवाल जी लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा, अगर केजरीवाल जी नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा। फिर भी बीजेपी का कुछ तो होगा ना, आप लोग बनाते होंगे। 150 सीटें, पुराने 27 सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी खुद बोला है कि नरेंद्र का सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना चाहिए। लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? मेरा ऐसा लग रहा है। कौन से मुद्दे पर 150 सीटें 27 सालों आज, की क्या आज गुजरात को कोई मुद्दा चाहिए? आपने गुजरात में आया होगा, गुजरात में देखा है पूरा गुजरात को, फिर गुजरात को कोई मुद्दा चाहिए? कोई मुद्दा नहीं चाहिए, पूरा विकास ही विकास है, और आपको क्या मुद्दा चाहिए? हर जगह जाके मोदी जी का नाम आप लोग गिना देते हैं। इसलिए नया नया मोदी जी का नाम, नया गुजरात को गुजराती जनता का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं, ये तो सच बात है। उसमें मोदी जी का नाम लेके मैं किसका नाम लो? राहुल जी का। मोदी जी के चेहरे पर ही कब तक बीजेपी, मतलब अपनी भी कुछ स्थानीय उपलब्धियां राज्य सरकार की बताएगी? हमारा सेहरा मोदी जी है, देश का शान मोदी जी है, देश का गौरव मोदी जी है। जब तक पिता है तब तक बेटा अपना कर्म का नहीं गिनाता है। जब तक देश में मोदी जी है, देश में मोदी जी का ही गुणगान बोला जाएगा। आपका फैमिली में ऐसा कोई होता है पिता का सामने आप बोलते हैं मैं भी ऐसा करके आऊं कैसा करके? मतलब नरेंद्र मोदी से शुरू उन्हीं पर खत्म, अभी नरेंद्र मोदी से शुरू होगा, नरेंद्र मोदी से खत्म होगा, लेकिन मकसद भारत को बनाना, कोई फैमिली को बनाना नहीं है, परिवार को बनाना नहीं है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली, ही इज मेंबर ऑफ भारतवर्ष। जब आप लोग पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी कुछ मुद्दों को लेकर आप लोगों पर निशाना साधते हैं। 2002 को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह की ओर से बातें कही गई कि हमने सबक सिखाया, वो पूछते हैं किसको सबक सिखाया? क्या जिसको सिखाना है को, नहीं, नहीं, आपने, बाकी को गिराते आप बोलो ने सबक नहीं सिखाया, वो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं नहीं, आप बोलो अमित शाह ने 2002 में मोदी जी ने सबक नहीं सिखाया? सबक तो सिखाया, इसलिए आज गुजरात में रायत नहीं है, गुजरात में दंगा फसाद नहीं है, गुजरात में हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा सबक सिखाया? आपको लग रहा है कि अच्छा सबक सिखाया? बहुत अच्छा सिखाया। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कोई दिन गुजरात कर्फ्यू में ना रहे, कोई दिन दंगा फसाद ना हो, कोई दिन हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अभी तो मैं नाडा में जाके कैंपेन करके आऊं, कैसा माहौल था, रात में मैं सभा किया, एक पुलिस भी नहीं था नरोदा पाटिया में। ऐसा माहौल तो गुजरात को सही है, तो गुजरात का दुश्मनों को सबक सिखाया गया। गुजरात में जातिवाद भी बहुत हावी है। आखिरी के दो सवाल में, मुझे पता है कि आपको चुनाव प्रचार के लिए जाना है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे गुजरात में, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो ज्यादा गरीब हूं, उन्होंने अपने पिछड़े होने का भी जिक्र किया, और वो कहते हैं कि मेरा छुआ तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है, जबकि आपका छुआ तो पिया जा सकता है। देखिए मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से, मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं। लेकिन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है, ये खड़गे जी का पीरा है। वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं।
आपको ये तो राहुल जी का खिलाफ इल्जाम है, दर्द है वो राहुल गांधी की 100% खड़गे जी टू कांग्रेस, राहुल खड़गे जी के साथ खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं आया। अगर बीजेपी का कोई लोग ऐसा कहानी बताएगा देन इट विल बी अ स्टोरी ऑफ बीजेपी। आप कह रहे छुआछूत होता है खड़गे जी के साथ, सबका साथ होता है कांग्रेस में, एक फैमिली ऊपर बाकी सेमी फैमिली नीचे, तो इसीलिए खड़गे जी का साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए तुरंत बैक डेटेड पिक्चर, आज का बाद नहीं, एक बैक डेटेड पिक्चर राहुल जी को ट्वीट करना चाहिए कि खड़गे जी और एक साथ वो चाय पी रहा है। अब इस तरह की तस्वीर क्या आएगी, लेकिन चलते चलते आपका मुकाबला कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से है? मेरा मुकाबला गोल्ड मेडल का है, मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ, मैं थोड़े पीछे देख रहा हूँ सिल्वर ब्रॉन्ज किसको मिलेगा, रिकॉर्ड टूट रहा है। मैं गोल्ड मेडल देख रहा हूँ कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए, मुझको गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन आप बार बार पूछ रहे पीछे भी देखो सिल्वर ब्रॉन्ज किसको मिल रहा है, कौन ये गलत काम करेगा? दौड़ लगा रहे हैं उनको तो देखेंगे, थोड़े कोई देखेगा। आप जाके मिल्खा सिंह को पूछिए कि जब वो दौड़ रहा था पीछे भी देख रहा था कि सेकंड थर्ड कौन हो रहा है, अगर आप सेकंड थर्ड का कोशिश करेगा देखने के लिए तब तो आप गया काम से, कोई नहीं है टक्कर में। अब हमें हमको पीछे देखना नहीं है, मोदी जी सिखाया है आगे देखो, आगे निकालो, देश को विश्वगुरु बनाना है।